मित्र पुलिस कहलाने वाली उत्तराखंड पुलिस के कारनामे भी अपने आप में अनोखे हैं। हरिद्वार रोड पर मोतीचूर के पास ट्रक ड्राइवरों से वसूली करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पूरा मामला जब एसएसपी अरुण मोहन जोशी तक पहुंचा तो उन्होंने रायवाल थाना से जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा और रिपोर्ट एसएसपी को सौंप दी, जिसमें वसूली की बात सही पाई। आरोपित सिपाहियों के खिलाफ थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में एसएसपी ने दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। मामले की विवेचना सीओ ऋषिकेश को दी गई, जबकि विभागीय जांच सीओ सदर करेंगे। तो इस पूरे मसले की जांच अब एसएसपी करेंगे। देहरादून में पुलिस की घूसखोरी की है, घूसखोरी का ये मामला सामने आया, जिसके बाद दोनों ही सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। पूरा मामला जब एसएसपी अरुण मोहन जोशी तक पहुंचा तो उन्होंने रायवाल थाना से जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा और रिपोर्ट एसएसपी को सौंप दी, जिसमें वसूली की बात सही पाई। आरोपित सिपाहियों के खिलाफ थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में एसएसपी ने दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। मामले की विवेचना सीओ ऋषिकेश को दी गई, जबकि विभागीय जांच सीओ सदर करेंगे। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी आगे भी नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ था। तो इस पूरे मसले की जांच अब एसएसपी करेंगे। देहरादून में पुलिस की घूसखोरी की है, घूसखोरी का ये मामला सामने आया, जिसके बाद दोनों ही सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। मामले की विवेचना सीओ ऋषिकेश को दी गई, जबकि विभागीय जांच सीओ सदर करेंगे। तो इस पूरे मसले की जांच अब एसएसपी करेंगे। देहरादून में पुलिस की घूसखोरी की है, घूसखोरी का ये मामला सामने आया, जिसके बाद दोनों ही सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।